दोस्तों मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद, एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर काउंसलर बेसिकली। स्वागत है आपका माई करियर डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे कीपिंग क्वाइट नामक फ्लेमिंगो बुक से ली गई एक पोएट्री जो कि 12th इंग्लिश CBSE का कोर्स सिलेबस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैप्टर को जो कि अभी पढ़ाया जा रहा है इसे आप देखते रहिए अंत तक। तो आइए इससे पहले कि हम इस पोएम के बारे में बात करें जान लेते हैं कि ये पोएम जो है ये किसने लिखी और उनका जो गोल था वो क्या था इसके पीछे। ये पैब्लो नेरुडा बेसिकली मुझे लगता है ये स्पेन यूरोप के होंगे, लेकिन माइग्रेशन जब हुआ था अमेरिका में तो साउथ अमेरिका चाइल नामक जगह पे कंट्री में इनके फोर फादर्स माइग्रेट हुए होंगे। एक पीस लविंग इंसान थे। इनका पेन नेम जो था वो पैब्लो नेरुडा, जो कि बाद में लीगल नेम हो गया। पेन नेम का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा नाम जो आप अपने मन से रखते हैं, खासतौर से जो लोग लिटरेचर पोएट्री में आते हैं वो रखते हैं अपना पेन नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन इनका पेन नेम था, मिर्जा गालिब, जिनका नाम अशादुल्लाह खान था। हालांकि मेरा भी नाम प्रकाश सिंह है और मैंने आजाद जो है वो एज ए पेन नेम अडॉप्ट किया है, ठीक उसी तरह इनका नाम था। और इन्होंने बाद में इस नाम को लीगली अप्रूव्ड करवा लिया। मैं भी इसे लीगली अप्रूव्ड करवा लूंगा बहुत जल्दी। दोस्तों ये एक डिप्लोमैट थे, पॉलिटिशियन भी थे और पीस लविंग इंसान थे। हालांकि इनको 1971 में, जो ये राइटर हैं इस पोएम के, इनको पीस नोबेल प्राइज मिला था और 1973 में इनका देहांत भी हो गया था। ये बात करते हैं पीस की, चूंकि ये पीस लविंग इंसान थे, ये बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन की। इसका मतलब होता है आत्ममंथन, यानी कि हम इंसान जो कि एक जिद है हमारे बीच कुछ पाने की, कुछ चाहने की, जिसे हम डिजायर कहते हैं, चूंकि हमें हमारे विल पावर पर कंट्रोल नहीं है। अगर मैं बात करूं विल पावर की तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, तो हम कविता पे आते हैं। ये बात करते हैं, हमें जानने की जरूरत है कि आखिर ये क्लैश इतना क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग एक दूसरे के जो हैं वो दुश्मन हैं, क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्यों हम क्लैश करते हैं एक दूसरे के बीच। और हमें जानना होगा समय रहते हुए, और अंत अंत तक इन्होंने यही कोशिश करी। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, स्पेशली आई लाइक दिस पर्सन हु टॉक्स अबाउट पीस, आई लाइक द बुद्धा ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, और इससे पहले कि हम इस पोएम को शुरू करें, पहले हम जान लेते हैं वो तमाम वर्ड जो कि हमारी मदद करेगा इस पोएम को समझने के लिए। सबसे पहला वर्ड है कीप स्टिल, का मतलब शांत रहना होता है। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब जमीन पर होता है, धरती पर होता है। एग्जॉटिक का मतलब होता है आकर्षक, यानी कि एक अद्भुत जो चीज होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। रश का मतलब होता है जल्दीबाजी या फिर भीड़। स्ट्रेंजनेस का मतलब होता है अजनबीपन, या फिर एक आप कह सकते हैं कि अभियन, आई बिग यू पार्डन। और हर्ट का मतलब होता है घायल, चोट या फिर चोट लगना। ग्रीन का मतलब होता है फ्रेश या फिर न्यू, या फिर हरे भरे जो चीज होते हैं उन्हें आप कहते हैं। सर्वाइवर्स का मतलब होता है बचे हुए लोग, जो बच जाते हैं। अगला है टोटल इनएक्टिविटी, टोटल संपूर्ण आक्रमण्यता, कहने का मतलब जो पूरी तरह से आप शांत निश्चल हो जाना हमेशा हमेशा के लिए, उसे आप टोटल इनएक्टिविटी कहते हैं। अगला है ट्रक, यानी कि सौदागरी करना या फिर रिश्ता या नाता। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है दृढ़, जो निश्चय होता है। इंटरप्ट का मतलब दखल देना। और अगला है आपका अलाइव का मतलब होता है जीवित। नाउ वी स्टार्ट दिस पोएम, वी नो अबाउट द पोएट एंड वी टॉक अबाउट दिस पोएम। दोस्तों ये पहले जब हम शुरू करेंगे, राइटर ने जो इसको लिखा बहुत ही प्यार से खूबसूरत तरीके से लिखा है। बस कहना चाहूंगा कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए, अगर आपके पास बुक है तो इसको आप प्रॉपर समझ पाएंगे। बुक आप ले लीजिए, टिक लगा लीजिएगा, पेंसिल से उसमें कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। और मुझे लगता है समझने का एक सबसे अच्छा तरीका यही होता है। सबसे पहले नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम क्या करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं दुनिया के लोगों से। और यहां पर 12 का मतलब 12 आवर्स भी हो सकता है, 12 सेकेंड भी हो सकता है, 12 काउंट भी हो सकता है, 12 मंथ भी हो सकता है, 12 ईयर्स भी हो सकता है यहां पे। तो नाउ वी विल काउंट टू 12, हम लोग कितने तक गिनेंगे, 12 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यहां स्टिल का मतलब शांत हुआ, और हम सभी क्या करेंगे, शांत रहेंगे। ये पीस की बात कर रहे हैं,
पीस की एडवोकेसी कर रहे हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती पर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, जब तक हम 12 गिनेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तमाम जो फसाद है ना दोस्तों उसका जड़ जो है वो जबान ही होता है। कहते हैं कि यही जबान हमें इज्जत दिलवाता है और यही जबान हमें जूते खिलवाता है। तो आप अच्छे से पेश आएंगे तो आप अच्छा करेंगे, और इसी जबान की वजह से जितने भी डिस्प्यूट हैं, क्लैश है, ये क्वेश्चन में भी आएगा तो आप लिखिएगा, ये तमाम जो डिस्प्यूट्स हैं या फिर क्लैशेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ जबान की वजह से आता है। मैं कोई अच्छी बात बोल दूंगा और मेरी बात शायद आपको अच्छी लगेगी तो आप फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, या मेरी बात आपको अगर पसंद नहीं आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वैसे कर लीजिए, थैंक यू। आगे कहते हैं कि लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, आइए हम कुछ क्षण के लिए, कुछ लम्हों के लिए हम रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम अपने हाथ को भुजाओं को ना फैलाएं, ना हम हिलाएं, हम लड़ाई झगड़े की बात ना करें, हम काठ मार की बात ना करें, कब तक, जब तक कि हम 12 गिनते हैं। सेकेंड स्टेंजा में ये कहते हैं इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, जो कि आज से पहले आपने ऐसा कभी किया नहीं, आपने अपनी जबान नहीं बंद करी, आपने मारधार काट नहीं बंद करी, यानी क्लैश आप नहीं करते, कोई और तो करता ही होगा ना, देश में, दुनिया में, जात में, समाज में, धर्म के बीच में, तो ये एक एग्जॉटिक यानी कि एक अद्भुत एक लम्हा होगा, अंडरलाइन कर लीजिए एग्जॉटिक को, वहां पर स्टिल को कर लीजिएगा, कीप स्टिल को कर लीजिएगा, स्ट्रेंजनेस को, विदाउट रश, विदाउट इंजन, जरा सोचिए, रश मीन्स भीड़ भाड़, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई इंजिन्स का मतलब यहां पे हो गया कोई व्हीकल नहीं चलेगी रास्ते पर, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और इस क्षण इस लम्हा जब पूरी दुनिया के लोग जिनसे पाब्लो नेरुडा साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो छमहा होगा, ये लम्हा होगा, माफ कीजिएगा, एक शानदार लम्हा होगा और हम सबों के लिए, क्योंकि हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इस अचानक से हुए एक अनोखेपन में, कि स्ट्रेंजनेस ने, चूंकि आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये जो मछुआरे जो समुद्र में, जो ठंड समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, ये मछली नहीं पकड़ेंगे तो ये वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी जो कामकाजी लोग हैं जब वो काम नहीं करेंगे बिल्कुल शांत रहेंगे, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, लोग जो नमक को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल जख्मी हाथों को देखेंगे, वो लोग जो तमाम चीजें करते हैं, कलबल छल करते हैं, और उनसे जब गलती होती है वो काम करते हैं, काम इस एक लेबर के सेंस में आप ले सकते हैं, या फिर जो लोग वेपन उठा के लोगों का नरसंहार करते हैं, तो वो अपने हाथों को वो देखेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। वैसे मेडिटेशन भी आपको शांत रहना ही सिखाता है, मेडिटेशन एक ग्रेट चीज है, जब अगर आप उसे करते हैं तो आपको शांति की अनुभूति होती है। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि मेडिटेशन की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई थी, इस ग्रेट लैंड से, लेकिन अमेरिका अब ये साबित करने में लगा है कि मेडिटेशन डिडंट कम फ्रॉम इंडिया, बाय द वे पॉलिटिक्स है इसके पीछे। अगला जो स्टेंजा है वो ये है, थर्ड स्टेंजा, कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो ग्रीन वॉर्स का मतलब हो गया पेड़ पौधों को काटना, डिफॉरेस्ट करना, आप ग्रीन वॉर्स का मतलब हो गया कि माइनिंग करना, ग्रीन वॉर का मतलब हो गया कि नेचर के साथ खेलना, नेचर को डिफॉरेस्ट करना, डिफेस करना, या फिर एक नए युद्ध की तैयारी करना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग वार्स विथ गैस, गैसों से लड़ाई की बात करते हैं, जो आग से लड़ाई की बात करते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, विजय तो होगा, विजय होना तय है, लेकिन जब विजय होगा तो उस विजय के बाद कोई बचेगा नहीं, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में हुआ, जो कि जर्मनी ऑस्ट्रिया के किंग को जब मारा गया, पूरी दुनिया को उसमें झुलसना पड़ा। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, अमेरिका ने नागासाकी पे बॉम्ब डाल दिया, और उधर फिर से इंग्लैंड और जर्मनी के बीच जो क्लैश हुआ, ये तमाम चीजें क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में ही आप देखिए जगह जगह पे लड़ाई मारकाट हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है। ये एक मीन्स लाइक एक प्रोसेस है, और जिसके तहत लोग फंसते जा रहे हैं, माफ कीजिएगा ये एक प्रोसेस नहीं है, ये हमारी जबान की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। अगला है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, जो लोग बचेंगे, मान लीजिए कुछ बच भी जाते हैं तो क्या करेंगे, सभी पुट ऑन का मतलब हो गया पहनना, वो बिल्कुल साफ व्हाइट कलर के जो क्लॉथ हैं वो पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट दियर विथ दियर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ वो चलेंगे। यहां भी राइटर बंधुत्व की बात कर रहे हैं, ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं राइटर, अपने भाइयों के साथ चलेंगे, इन द शेड डूइंग नथिंग, वो एक छाया में चलते जाएंगे एक साथ, लेकिन कुछ करेंगे नहीं, बिल्कुल
खामोशी, मरने के बाद जो मातम का एक माहौल होता है, वो पुट ऑन क्लोथ्स जो व्हाइट होता है बिल्कुल, वो पहन के एक छाया में पूरे भाई बंधुत्व के साथ ये चलेंगे। जब ऐसा होगा, इन द शेड व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, लेकिन राइटर कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूं आप इससे कंफ्यूज मत होइए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं चाहता कि पूरी तरह से आक्रमण्यता मतलब स्थिर हो जाए, स्थिल हो जाए, हर कोई मर जाए। मैं चाहता हूं कि बस आप 12 गिनने तक शांत रहिए। ये 12 आवर्स हो सकते हैं, 12 दिन हो सकते हैं, 12 ईयर्स हो सकते हैं, 12 सेकेंड हो सकते हैं, जब तक कि आप 12 गिने। आप फील कीजिए थ्रू अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, आप इस चीज को फील कीजिए। आप टोटल इनएक्टिविटी की मैं बात इसमें नहीं कर रहा। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी क्या है, इन्हीं चीजों का तो एक केंद्र है, इन्हीं चीजों का एक केंद्र है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यहां ट्रक का अंडरलाइन कीजिए, ट्रक का मतलब होता है रिश्तेदारी करना, नाता। मैं जिंदगी से, मौत से कोई रिश्ता नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि लोग मरे कटे, एक दूसरे का सरेआम कत्लेआम करे। मैं चाहता हूं कि लोग शांति के साथ जिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आगे राइटर कहते हैं कि अगर हम लोग दृढ़ निश्चय नहीं होते, सिंगल माइंडेड, एक चीज एक बार में चलती हो, दृढ़ निश्चय नहीं होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, हम अपने जिंदगी को अनवरत चलते रखने की, तो एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बार एक कुप घना साइलेंस, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि खामोशियां माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। एक बार अगर हम खामोशियों में चले जाए, तो ये जो हमारे सैडनेस है, ये जो उदासी है, उदासी किस चीज की है, एक जो उदासी है कुछ पाने की, बहुत ज्यादा पाने की, चीजों को अचीव करने की, टारगेट लाशों के ढेर बनाने की, उस पर ऊपर जाने की, सिंहासन पर बैठने की, ये जो जब हम ये जो सैडनेस है कहीं ना कहीं, तो जब हम खामोश रहेंगे तो हमारी चुप्पियों को ये क्या करेगा, ये उदासियों को ये चुप्पी तोड़ेगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, जो हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, और एक दूसरे को जो मारने मरने की धमकी देते हैं, ये चुप्पी के जरिए ही सैडनेस को, इस उदासी को जो है वो हम तोड़ सकते हैं। अगला जो स्टेंजा है, जो लास्ट स्टेंजा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तलवार की नोक पर आप इंसान को कुछ देर के लिए शांत करवा सकते हैं जब तक वो आपके सामने है, लेकिन अपनी नॉलेज की नोक पर, आप कन्विंसिंग पावर की नोक पर, आप चाहें तो पूरी दुनिया को आप हमेशा हमेशा के लिए जीत सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, जैसे कि मोहम्मद साहब, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, जैसे कि महावीर साहब, जैसे कि गुरु गोविंद साहब, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, एंड देयर आर सो मेनी ग्रेट पीपल हु प्रूव्ड दिस। दे डिडंट कन्विंस पीपल विद द हेल्प ऑफ सोर्ड, दे कन्विंस people with the help of their words, यानी कि पहले ही मैंने आपसे कहा, ये जो जबान है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं, ये जबान हमें सब कुछ दिलवाता है और सब कुछ से वंचित भी करवाता है। तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी बोले इससे पहले कि सोच समझ कर बोले कि आपके शब्द की वजह से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं पैदा हो रहा है। जो लास्ट स्टेंजा है उसे आप देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये हमें सिखा सकती है। As when everything seems dead, जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, and later proves to be alive, और बाद में ये सजीव प्रतीत होता है। हम इंसान, दुनिया, जहान, ये सब कुछ आते हैं जाते हैं, लेकिन पृथ्वी को देखिए, अनवरत एक ही पेस में चलती रहती, कभी बारिश भी होता है फिर भी शांत, ठंड भी होता है फिर भी शांत, ओले गिरते हैं, वृक्ष कटते हैं, बाढ़ आती है, तमाम अत्याचार होता है मनुष्यों के द्वारा, फिर भी शांत। हमें शांत रहने की जो प्रेरणा है, वो हम मनुष्य पृथ्वी से ले सकते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर से राइटर कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, अगर आप नहीं गिनेंगे तो, एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप बिल्कुल खामोश रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो राइटर पाब्लो नेरुडा, हु एडवोकेट्स एंड रिप्रेजेंटेट्स द पीस इन दिस वर्ल्ड, एंड ही इज नो मोर राइट नाउ, ही टॉक्स अबाउट peace, he talks about love, he talks about brotherhood, he talks about harmony. So these are the things he is talking about. बात करेंगे इस poem के उस questions का जो कि बार बार exam में आता है, और उस questions को हम जानेंगे कि exam में कैसे हमें technically उसको solve करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक्सर्प्ट्स भी रहता है, एक पूरा पैराग्राफ जो मैंने स्टेंजा पढ़ा वो दे दिया जाएगा, और उसमें से क्वेश्चंस आएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, इसका क्या मतलब होता है। तो इसको जो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन बैंक या फिर बुक है आपके पास, उसको आप देख लीजिएगा, और जब आप देखेंगे तो आपको बारीकी से
समझ में आ जाएगा वो पूरी तरीके से, उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं। 2014 में दिल्ली से ये पूछा गया था, दिल्ली में, कि विच इज द एग्जॉटिक मोमेंट दैट द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट, यानी कि जब आप शांत रहते हैं उसमें एग्जॉटिक मोमेंट क्या होता है, एक अद्भुत क्या होता है, एक आकर्षण क्या होता है। कहते द पोएट रेफर्स टू, यानी पोएट मोमेंट कहते हैं जब स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस हम होते हैं, तो इसमें एग्जॉटिक मोमेंट का मतलब होता है कि हम पीस की बात करते हैं, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, इसलिए इसे एग्जॉटिक मोमेंट कहा जाता है, क्योंकि इस क्षण में कोई मोमेंट नहीं होगा, कोई कोई हरकत ही नहीं होगा, तो इसलिए जो मोमेंट होगा अचानक से, जो स्ट्रेंज मोमेंट होगा, ये ग्रेट होगा अपने आप में, इसलिए इसको बोला जाता है कि एग्जॉटिक मोमेंट होगा अगर हम शांत रहे तो। अगला क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में ही पूछा गया था, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन दिस पोएम, कीपिंग क्वाइट में वो कौन सैडनेस पोएट ने क्यों बोला, सैडनेस तो है ना, उदासी तो है ना, हम लोग कर क्या रहे हैं, आपस में मारकाट की हम बात कर रहे हैं, उदासी तो है ही इसमें, इसमें सैडनेस का मतलब यह है कि द पोएट रेफर्स टू सैडनेस व्हिच सराउंड्स मैन ड्यू टू नॉट हैविंग एनी टाइम फॉर हिमसेल्फ, यानी मनुष्य को अपने खुद के कार्य के लिए समय नहीं है, उसको खुद को ये समय नहीं है, पेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही और हिज फेलो ह्यूमन बींग वांट, उसे ये नहीं पता कि उसे किस चीज की जरूरत है, उसके दोस्तों को किस चीज की जरूरत है, उसके जानने वालों को किस चीज की बस जरूरत है, तो एक पता नहीं एक अजीब सा जो है वो कौतूहल है मनुष्य में कुछ पाने की और ज्यादा से ज्यादा, चूंकि डिजायर का कोई अंत नहीं होता है, आप जितना ज्यादा पाएंगे उससे ज्यादा आप पाने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो इस तो राजाओं की भी पूरी नहीं हुई, तो आपको फाइनली कंट्रोल करना होगा अपने आप को अपने विल पावर की मदद से। अगला है कि ये क्वेश्चन 2014 में कंपार्टमेंट जो बच्चे फेल हो जाते हैं उसमें पूछा गया था, विच इमेजेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट सो दैट द पोएट कंडेम्स वायलेंस, इसमें कौन सा इमेज है जो वायलेंस को क्रिएट करता है या वायलेंस को कंडेम करता है, जो जैसे मछलियों वेल्स को पकड़ना मछुआरे के द्वारा, और जैसे कि मनुष्यों का मारना, युद्ध करना, यही सब तो वायलेंस को बताता है। इसका आंसर है द इमेजेस ऑफ फिशरमैन नॉट हार्मिंग द वेल्स, या फिर सी एंड वार्स लिविंग बिहाइंड नो सर्वाइवर्स, और जो युद्ध होता है जो किसी सर्वाइवर्स को नहीं जाता, यही तो इसमें वायलेंस वाला जो इमेज है वो आपको कंडेम करता है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपको 2014 कंपार्टमेंट में फिर से पूछा गया था, हाउ अकॉर्डिंग टू द नेरुडा कैन कीपिंग क्वाइट चेंज आवर एटीट्यूड टू द लाइफ, ये जो नेरुडा के हिसाब से हमारे लाइफ के एटीट्यूड को ये कैसे चेंज कर सकता है। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से हमारी रफ्तार है, जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, तो पेशेंस किसी के पास नहीं है, गुस्सा और तमाम टेंशन, डिप्रेशन, पैसा हालांकि आपके पास कितना भी हो जाए, लेकिन अगर हम अपने आप को समझें, हम पीस लविंग हो जाएं, तो किसी तरीके का कोई जो है वो लड़ाई नहीं होगी, कोई वार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि कीपिंग क्वाइट एंड सस्पेंडिंग आवर ऑल एक्टिविटीज, यानी कुछ समय के लिए अगर हम अपने एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दे, विराम दे दे, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट विल गिव अस टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें टाइम देगा, ये समय देगा आत्ममंथन करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए, इस तरीके से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट, और आई वांट यू टू लर्न दिस एंड दिस विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, एंड आई वुड से यू वंस अगेन दैट प्लीज गो थ्रू द एंटायर बुक, आई एम सॉरी द चैप्टर व्हिच इज कीपिंग क्वाइट फ्रॉम द फ्लेमिंगो बुक। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा और बहुत ही बारीकी से समझिएगा इस पोएम को, एक बार और समझ लीजिएगा। लिखने की अगर आपको प्रॉब्लम है तो राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, ताकि वो इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने में आपकी ये मदद करेगा और दूसरे पेपर्स में भी आपकी मदद करेगा, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो। On that note, thank you very much. I wish you all the best for your exam. If you are going to appear in the exam, and if you will appear till to next year, I wish you all the best. God bless you.